वाकया पेश आया था, किस वजह से वो जो वैन है आपने उनके जो है उनके डॉक्यूमेंट्स ढूंढे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बुझुस कोशिर पठी कत करते कोशिर पठी कर बात रात उस वाकया सब जो रानावारी पर मैं फोन वाता लोकल स्थिति करा मैं फोन ये तासा ची वैन आ कि मासा ची कंटिन्यू ओतर पे क्या परिवार इम ची फंडिंग करा रेज मैं चाहे पता सोकोस इधर चुते सोकोस एनजीओ वस ये तो तुम स्पॉट स्पेट वो तो ताकि उसमें पुलिस कंसर्न पुलिस स्टेशन रानावारी थी उस आमुत तो मजीद वो तो उस बुते तो तथ्य मैं कर लाइव पानू स्टार्ट मैं करूँ मैं लाइव उसमें प्रश्न कोशिश की इधर क्या चु फाउंडेशन कोश हो तो आई तो क्या दलील छे ताकि वो मैं तो लेकिन स्माइल फाउंडेशन मैं प्रूफ ताकि तुम तो ऐसे मैडम पकान और यु मैं लाइव उस चला और आज मैडम तमिस मैडम वो मैं लाइव मी कि सो और यहां मे सी लड़ाई कर सो बदतमीजी कर मेन मोन मकसद लुकन तान यह खबरदारी वातना यह वैन सिस्टम करो बंद अत इदार मू इत वैन मज पे कहें बचन हिंद नावन कैंसर पेशेंट किडनी पेशेंट बुत फोटो लगत अकिस पेशेंट सावस पे दह दह गाड़ी पंदा पंदा गाड़ी नीरान लक्ष बोत रुपये रेतस ग जमा लास्टस पेशेंटस दिवान अत कि ट्रांसपेरेंसी कित रोजा तुम वनो मे अत इदारस कित रोज ट्रांसपेरेंसी अमिस पेशेंटस कित नानी मे कूता पोस गो जमा अगर लमसम अमाउंट जमा कर दह लश बह लश पंदा लश युत कह स्टोरी कर मीडिया पे वा सोशल मीडिया प्लेटफार्मन पे कह स्टोरी कर तमिस लगान पंदा लश रुपये अमिस लगान अर्दा लश रुपये इत पे जमा डायरेक्ट अकाउंटस मे पेशेंट सदिस मगर यम वैन वल कर जमा गोडन ड्राइवर रटा अमे पंदा शेथ बे क्लीनर बिहत तथा सू रटा सास शाम तान वा अगर दह सा पंदा सा वह सा गई जमा शाम इदारस पे दह लास्टस रेतस ग लक्ष बोत रुपये जमा लास्टस अकिस पेशेंटस दिन अर्दा सा वह सा रुपये यह इस्तिसाल ग अकिस गरीबस सत कह मेन अवामस बे एक लट गुजारिश मे तुल रात सही कदम ये कदमस पे चुस बहुत पथ हटित कहें यह सही कदम मोन इनशाला रहमान तु तो रूज मे सत तु व्यव आज मे पगह न मुदसर अजीज सही बाकी मे खिलाफ वनक प्रोपगंडा चलान आसमानी हुपर वीडियो त्रावान यपर त्रावान मे गम सहन मोन कॉन्फिडेंट लेवल तमि खुद ज्यादा यूत तुम मे ट्रॉलिंग करो मे कॉन्फिडेंट लेवल ज्यादा बढ़ान बाकी कह नफर पेजन पे वीडियो खालान तुम मान सी व्यूवरशिप मिलान अम सत क्या चलो अल्लाह ताला तुम रिजिक दिवान मान सी बुस खुश किस्मत जाना पानस मान सी तुम व्यूज मिलान तुम व्यूवरशिप मिलान मे गिराव कोशिश करने कहीं वो इज्जु मन तशाह वो तो जिल्लु मन तशाह दपा अल्लाह ताला यमिस भी इज्जत दिम तमिस नी दुनिय का ताकत यमिस भी जिल्लत दिम तमिस नी दुनिय का ताकत मे अल्लाह ताला दुतमुत ये मे सो अल्लाह ताला नी तेल अंतन सो अंबानी ती दिन मे सुती दिन मे कहीं बाकी बे चुस दोहरावान बे चुस दोहरावान बे एक लटे कोशिश कौमस लगिन मोन खून मे पता मोन कोशिश कौम चु सोद सादा आवाम ये कित कन लूटने मेन कोशिश ओत रट मे लाल चौकस नीश गाड़ी कसा तथ मे इथे कन लेडी थमत पत्क कमला वलि तमिस दवा दिवान सू तो बेमार कहीं सू तो फेक इथे कन मोन मकसद इदार वनो इदार सही फेक सो एडमिनिस्ट्रेशन मगर मोन सवाल या निशान ये क्या अकिस पेशेंट सा इस्तिसाल कर इत शुर सतन रेतन ऐठन रेतन बच्चे फोटोग्राफ थवन तमें पे लूक इमोशनल कर अत वा इमोशनल अत्याचार कर बुत कह वाय त्रो पांच हथ रुपये तथ नन तमिस पेशेंटस मे नावस कूत गो पोस जमा बे कंटिन्यू सिलसिल रोजान यह कंटिन्यू रेत वादन पे कस रोजान वरी वादन पे वैन नीरान सू फोटो बुत कई बुत अखबार शीटा तथ पे पोस कर जमा यह बिजनेस ये टोटली बिजनेस है यह कारोबार यह कहें इदार विदार ये इदारे अपने नाम पे जमा करे बुस इदारन वन कह फाउंडेशन डिम कामरा फाउंडेशन फलाना फाउंडेशन तु करू पनिस नावस पे पोस जमा नशिस दपा अकिस दसान रेश तुम करा वशनर तु लुस बुथिस पे कर पोस जमा तमिस पेशेंटस पत बिचरस कहीं वाता मजीद से बेई मेन अवाम नासस गुजारिश करिव फंडिंग रेज बंद हाँ डायरेक्ट त्रो अकाउंट्स अगर ये इदार सही त्रोतन डायरेक्ट अकाउंट नंबर पेशेंट सू तो डायरेक्ट वाचे अकाउंट पेशेंट सिंदिस अकाउंट नंबर मन कहीं तथा ट्रांसपेरेंसी। जब आपने बताया कि जो लेडी थी स्माइल फाउंडेशन की जो लेडी जो आपने अभी खुद भी बताया कि उनका आप उनको कैमरा मैन नहीं लाना चाहते थे वो बार बार आ रहे आप उसको शौक था कैमरा मैन का मैं जब क्या उनका स्टेटमेंट आपके आसपास जी की मैं जो पोस्ट चढ़ा था आपके अगेंस्ट उसमें जो अगर स्टेटमेंट उनका देखे उनका ये कहना था कि वो आपको बार बार बोल रही थी मुझे कैमरा मैन मत लाओ कैमरा बंद करो कैमरा इसलिए बंद करो क्योंकि मेरा पोल खुल जाएगा तुम सुन पोल खुलो ना रात स्माइल फाउंडेशन का लोगों ने देखा देखो लोग नहीं पैसा डालेंगे मैं मर्द का बच्चा मानूंगा उसको बताऊंगा आप गाड़ी निकाल के देखो कौन पैसा डालेगा कोई नहीं डालेगा लोग बाइकआउट किया लोगों ने बाइकआउट किया ये वैन वैन सिस्टम बाइकआउट किया इसीलिए वो कह रही थी मत लाओ क्योंकि मैं फेस आएगा मेरा कि लोगों को पता चलेगा मैं कौन हूं क्योंकि वो बुखोत ने फेस आने में कहीं वो अगर लेडी है वो पैसे जमा करती है तब क्यों नहीं उसको शर्म आती है लक्ष बुद्ध रुपये से जमा करना फाउंडेशन चला नावस में तब उसको शर्म क्यों नहीं आती है वो गलत नहीं है तो अब कैमरा पे वो आई वो शर्म है
और इसलिए मैंने लाइव किया वहां पर, उसने देखो ऐसे एलिगेशन मेरे पे लगाई, हे में गलत गलत इशारे करें। उस औरत पे क्या यकीन था मेरे को जिसने ऑन कैमरा, एसएचओ था वहां पर, कंसर्न पुलिस स्टेशन रहने वाली था वहां पर, उसने मेरे खिलाफ ऑन कैमरा भी ये एलिगेशन लगाई। कैमरा वगैरह क्या बने सो तीस जनान क्या है कैमरा वगैरह बनी सो है क्या ना तमें जे यह अमे मूजूब पानी सेफ्टी पे थाना मेरा काम था वहां पर लाइव करना मैंने किया। मैंने 110% लोगों को भी कह रहा हूं बाइकआउट करो, ये सारी चीजें बाइकआउट करो, वैन फंडिंग बंद करो। हाँ इनको चलाना है ये फाउंडेशन चलानी है इनको, इन फाउंडेशन चलाव चलान पनिस नावस असा फलानी फाउंडेशन अजकिस नावस जमा करा ना कि बच्चन हिंद फोटो बुढ़न हिंद फोटो किडनी पेशेंट नसन लमसम अमाउंट अमिस पेशेंटस हा यूत पोस लगान आज हा कोर यूत जमा ट्रांसपेरेंसी गुन सी ना कि कंटिन्यू गाड़ ना अच्छा ये बिजनेस है, बिजनेस है ये कुछ भी नहीं है, छू बिजनेस ये पूरा बिजनेस है, ये बिजनेस मैंने डिस्ट्रॉय कर लिया। अब इनको फ्रस्ट्रेशन आ रही है मेरे खिलाफ वीडियो चला रहे हैं, मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये बिजनेस कोलैप्स कर दूंगा इंशाल्लाह रहमान। लास्ट का सवाल आपसे रहेगा, जब हमने ये देखा कि ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद आपके खिलाफ जो स्टोरी भी चलाई गई, इवन जो आसा बशीर की जो स्टोरी थी उसमें जो है उन्हें विक्टिम का भी फेस दिखाया, जो बच्ची थी जिसके लिए वो, आपको लगता है कि ये एथिक्स है 6 साल की बच्ची को फेस दिखाना? अगर आसिफ बशीर ने वहां पर उसको स्टोरी की हॉस्पिटल में, पहले ही स्टोरी क्यों नहीं, पहले ही क्यों नहीं अकाउंट नंबर दिया उनका? अब फिर वैन क्यों निकालनी थी? आसिफ बशीर ने कल स्टोरी की ना, उसका अकाउंट नंबर दिया वहां पर। हाँ आसिफ बशीर ने पहले ही क्यों नहीं स्टोरी की, पहले ही उसका रिवील क्यों नहीं अकाउंट नंबर किया? लोगों को क्यों वैन में पैसा डालना था? क्यों ये फिर वैन का सिस्टम ही बंद हो जाएगा? आसिफ बशीर को कहना था पहले ही, कल उसने आसिफ बशीर ने उसका फेस रिवील किया, फिर वो इसी के खिलाफ नहीं था? आसिफ बशीर ने कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन है, मैं आसिफ बशीर को कहता हूँ खुद की रजिस्ट्रेशन दिखा मेरे को, कहाँ है आपकी रजिस्ट्रेशन जरा मेरे को दिखाओ। कौन जर्नलिस्ट है यहाँ पर आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है, जिन्होंने डिग्रियां की है, डिग्री वाले घर में बैठे हैं, डिग्री वाले कुछ कर नहीं रहे। अब मैंने किया कुछ तो आप लोगों को दर्द हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। लास्ट में क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, ये इदारे बंद होने चाहिए, इन इदारों पे बैन लगना चाहिए, लोगों के साथ इस्तेसाल हो रहा है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। एक इंसान दस दस बारह बारह लाख लोग पैसे जमा करते हैं, मगर फाइनली एक आम इंसान को जो पेशेंट होता है, विक्टिम होता है, उसको वो पैसे, हक के पैसे नहीं मिलते हैं। शुक्रिया।